नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सरकारी स्कूल की छत से पानी टपकने से बच्चे बाहर खुले में आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। ब्लॉक के चंदीपुर ग्राम पंचायत के पीपलखेड़ी राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अध्यापक व बच्चे भवन की बिल्डिंग में गिर जाने के डर से अंदर जाने में कतराते हैं और मासूम बच्चों को खुले में बैठकर शिक्षा पानी पड़ रही है। जहां एक ओर सरकार शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, क्षेत्र में विद्यालय भवनों की खस्ता हालत पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। इस विद्यालय में कमरों में जगह जगह दरारें पड़ी हुई है, छत की हालत जर्जर है, देखने से लगता है कि अभी गिर जाएंगी। नोनी हाल स्कूल की छत से टपक रहे पानी से परेशान है, लेकिन अधिकारियों के इससे कोई सरोकार नहीं है। यहाँ के नोनी हालों ने बताया कि बारिश के पानी गिरने के कारण सभी कमरों में पानी भरा हुआ है, जिससे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नोनी हालों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। अध्यापक रामदयाल बैरागी ने बताया कि यह भवन इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है, इसलिए बच्चों को खुले में पढ़ाया जा रहा है। सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। स्कूल में बच्चे 4 से 5 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर विद्यालय आते हैं। वर्तमान समय में स्कूल की हालत बहुत ही जर्जर है, जो कि छत खराब होने के कारण बारिश होने पर छत से पानी अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसमें बच्चों को बैठकर पढ़ने में परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं आज स्कूल की छत इस हालत में है कि कभी भी टूटकर गिर सकती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से जाहिर होता है कि प्रशासन भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। तभी तो नोनिहालों से जुड़ी संवेदनशील मामलों पर शिक्षा विभाग के अधिकारी का कोई गुरेज नहीं है। ग्रामीण सद्दाम खान, मुराद खान, सिराज खान आदि ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को भेजने से डर लगता है, लेकिन पढ़ाने की मजबूरी की वजह से भेजना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या 33 है, जिसमें 12 लड़के 21 लड़कियां हैं। जहां सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सब सरकार के झूठे वादे हैं। जहां बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, सर्व समाज जन कल्याण समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव यूएस मीना का सरकार से कहना है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि विद्यालय परिसर में पानी आ जाने पर स्कूल के शिक्षक बच्चों को बाहर बैठाकर पढ़ा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि कमरों में बारिश का पानी जमा होने के बाद भी बच्चे ना तो स्कूल के बाहर पढ़ सकते हैं और ना ही स्कूल के अंदर। विद्यालय में पढ़ रहे नोनियालों ने जिला प्रशासन से कार्यवाही की अपील की है। बेटा, आप स्कूल के बाहर बैठ के क्यों पढ़ रहे हो? हमारे स्कूल में बहुत पानी चोता है, हम इसलिए नहीं बैठते। हमारे स्कूल में ढल जाए तो हम मर जाएंगे। इमेज है और टीचर सर बच्चों को बाहर बिठा के पढ़ा रहे हैं। मजबूरी है सर हमारी बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए, शिक्षा का अधिकार है इसलिए। सर, बच्चों को स्कूल के बाहर बिठा के पढ़ा रहे हो, क्या कारण है? स्कूल टिपक रहा है और पूरा स्कूल डैमेज है, इस कारण से मैं बच्चों को अंदर नहीं बैठा सकता। सर, आपने स्कूल के बारे में किसी अधिकारी को बताया? हाँ, CBO मैडम को लिख के दिया है और SMC की बैठक लेकर के और उनको लिख के दिया है, PO को भी लिख करके दिया। कार्रवाई नहीं हुई आज तक, इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। यूएस मीना, मासा सिंह, सर्व समाज जन कल्याण समिति। नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पीपल खेड़ा जो प्रकरण है विद्यालय का जो आपके पास आया हुआ था, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा जैसे वाजिब हक आम जनता को न मिलना भी मानव अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। आज मुझे बड़ा दुख हुआ है जब राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपलखेड़ी पंचायत समिति मनोहर थाना जिला झालावाड़ का मामला है, जिसमें बच्चों के नामांकन की संख्या 35 है। प्राइमरी शिक्षा के लिए एक तरफ राजस्थान सरकार पानी बचाओ सबको पढ़ाओ का अभियान बीते कई सालों से जारी है, लेकिन जिला प्रशासन झालावाड़ की अनदेखी के कारण पीपलखेड़ी प्राथमिक
विद्यालय की संपूर्ण बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण आज सारे के सारे बच्चे विद्यालय के बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ जब एक छोटी सी बच्ची से पूछा गया कि आप विद्यालय के बाहर शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हो, तो बच्ची का जवाब बिल्कुल सटीक था कि विद्यालय की बिल्डिंग संपूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त होने के कारण कभी भी ढह सकती हैं और हमारी जान जोखिम में पड़ सकती है। इस वजह से हम बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं। इस बारे में झालावाड़ जिला प्रशासन से मेरी फोन पर वार्ता हुई और इसके बारे में संपूर्ण जिला प्रशासन का मैंने ध्यान आकर्षित किया। मैं राजस्थान सरकार से करवद निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी सेवा में जो प्रकरण सर्व समाज जनकल्याण समिति की ओर से भिजवाया जा रहा है उस पर तत्काल आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।